अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बनाएंगे गोभी आलू की सब्जी, जिसके लिए मैंने हाफ के जी गोभी लिए और उसको एक दो मिनट पानी में बॉईल करके निकाल लिए। तीन अदर आलू लिए, उनको क्यूब्स में काट लिए। दो टमाटर हैं, उनका छिलका रिमूव करके उनको भी क्यूब्स में काट लिए। एक टेबल स्पून अदरक पिसा हुआ है, थोड़ा सा अदरक कटा हुआ है, और 6-7 जवे लहसुन के हैं, उनको छोटा छोटा चॉप कर लिए। एक हरी मिर्च, हरा धनिया और गरम मसाला टीस्पून, ये लास्ट में डलेगा। टीस्पून नमक है, टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी है, हाफ टी स्पून ज़ीरा है, टीस्पून कसूरी मेथी है, जो बिल्कुल एंड में दम में डलेगी। सब्ज़ी मैं मिट्टी की हंडिया में बनाऊंगी, इसमें मैं एक कप कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। एक कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है, इसमें लहसुन ऐड करते हैं। ऑयल गर्म हो गए, अब मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी और अदरक भी। ये लहसुन अदरक फ्राई हो गया, अब मैं हल्का सा इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि लहसुन अदरक जले नहीं। अब इसमें टमाटर ऐड करूंगी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी आंच स्लो रखनी है क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म होने वाला बर्तन है। ये देखिए टमाटर भुन रहे हैं, अब इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी। ये मसाला हमारा भुन गया, ये देखें। इसमें प्याज नहीं डलती, आपकी मर्ज़ी अगर आप डालना चाहें तो। अब इसमें हम आलू ऐड करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसको मैं तकरीबन 10-12 मिनट के लिए कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पे रखूंगी, हल्की आंच पे, ताकि ये थोड़े गल जाए। अभी मैं इसको कवर करती हूँ और 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। अभी आलू शेक करती हूँ। आलू माशाल्लाह बिल्कुल गल चुके हैं, थोड़े से हैं अभी, लेकिन ये गोभी के साथ गल जाएंगे। ये गोभी जो मैंने बॉईल की थी, अब उसको ऐड करते हैं। इसको मिक्स करते हैं। अभी मैं इसमें अदरक डालूंगी। अदरक मैंने पहले जब मसाले में ऐड की थी वो पिसी हुई थी, ये थोड़ी सी कटी हुई है, ये देखें, ठीक है। गोभी में अदरक ज़्यादा अच्छा लगता है, देखें। इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ये खुद जो इसका सब्ज़ी का पानी होगा उसी में गल जाएगी। इसको बिल्कुल हल्की आंच में मैं 10 मिनट के लिए कवर करके रखती हूँ और फिर देखती हूँ।
अभी हम लोग गोभी चेक करते हैं। इसको बहुत ज़्यादा अगर गलाएंगे तो फिर फूल बिल्कुल टूट जाएंगे। धनिया ऐड करती हूँ। हरी मिर्च, गरम मसाला मिक्स करेंगे। कसूरी मेथी इसको मिक्स करती हूँ। आलू गोभी का सालन तैयार हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी गोभी आलू की। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे।